आदाब, मैं हूं अनवर खान। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। अलीगढ़ से खैर थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। खनन माफिया में चली आपस में ताबड़तोड़ फायरिंग, वही एक युवक को लगी फायरिंग के दौरान गोलियां। घायल युवकों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ की खैर थाना पुलिस ने मौके का किया मायना। पूरा मामला अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के गाँव अदला स्थित डिफेंस कॉरिडोर का है। अलीगढ़ से मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। कहाँ के रहने वाले हो? खैर नहीं तहसील। अच्छा, क्या घटना हुई थी और किस समय हुई थी? घटना रात 12 बजे के लमसम हुई है। हम यहाँ सो रहे हैं अपनी ऑफिस पे, अपनी जेसीबी वाहन पे। कौन सी जगह है ये? ये है डिफेंस कॉरिडोर अंडला के पास। अच्छा, यहाँ सो रहे कुछ आदमी आए, जो चार लोग हमने पहचान लिए। क्या नाम है उन चारों में? नगिन, और उसका नगिन का भाई नितिन, जो ब्लॉक कॉलोनी में रहते हैं, और एक कमरपुर का है वो सुमित, जो पप्पू प्रधान जी का लड़का है, और जी एक वो है एक लक्ष्मणगढ़ी का है मुकुल, एक मुकुल लक्ष्मणगढ़ी का है। फिर क्या हुआ? आते ही जगाए हम, जगाते ही उन्होंने कुछ पहले फायरिंग करी, उसके बाद जो पीयूष कुमार सारस होते हैं उन पे तुरंत गोली चला दी। मैं गोली की आवाज़ सुनते ही उन पे जैसे ही गोली लगी, मैं तुरंत साइड में हट के छुप के अपनी जान बचाई। उसके बाद जब वहाँ से चले गए तो मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में मैंने पुलिस को सूचना दी। दो दिन थाने से भी मेरे हमारे साथ दो पुलिस वाले गए, उसके बाद खैर पुलिस भी आ गई। घटना यही है। तो आरोपी मौके से फरार हो गया? आरोपी मौके से फरार हो गए धमकी देते हुए। कितनी गोली चली टोटल? गोली चली 15 से 20 गोली। कितनी गोली लगी है? 6 से 7 गोली उनके लगी हुई है। अब कहाँ पर है वो? छाती वाती में लगी हुई है। अब कहाँ पर? मेडिकल में गंभीर हालत है अभी, और बाकी ऑपरेशन होगा। पीयूष कहाँ का रहने वाला है? पीयूष कुमार कीरतपुर ने माना।